हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आज अपन क्लास 11th का चैप्टर नंबर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर जो है उसकी स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले आज का जो वीडियो है लेक्चर 01, इसमें अपन सबसे पहले डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन, कि एटम जो होता है वो उसका इंट्रोडक्शन क्या है, उसकी थोड़ी सी हिस्ट्री देखेंगे। उसके बाद अपन बात करेंगे इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स के बारे में, एटॉमिक नंबर के बारे में, मास नंबर के बारे में, आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटॉन्स वगैरह ये सब देखेंगे आज, ठीक है? तो देखो, इंट्रोडक्शन आप सब जानते हैं। एटम जो है ना, ये कई बार आ जाता है कि एटम ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया वर्ड है। देखो, इंग्लिश में, हिंदी में परमाणु बोलेंगे, इंग्लिश में एटम बोलेंगे, और ग्रीक वाले, जैसे अपन हिंदी में परमाणु बोलते हैं, ऐसे ग्रीक कंट्रीज में कोई लैंग्वेज बोली जाती है ग्रीक लैंग्वेज, तो ग्रीक वाले लोग इसको क्या बोलेंगे? अटोमियो। ग्रीक वाले लोग इसको क्या बोलेंगे? अटोमियो। इंग्लिश वाले क्या बोलेंगे? एटम। हिंदी वाले क्या बोलेंगे? परमाणु। अलग अलग, तो ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया वर्ड है अटोमियो। अब इस अटोमियो का मतलब क्या होता है? ग्रीक वाले इस अटोमियो का मतलब क्या होता है? अटोमियो वर्ड वो कब यूज करते हैं ग्रीक वाले? जब कोई चीज काटी नहीं जा सके, अनकटेबल हो या नॉन डिविजिबल हो, जब किसी चीज को आगे ब्रेक नहीं कर सके, अपन स्टॉप लग जाए, अब इसको नहीं तोड़ सकते हैं फाइनली, ठीक है? जब अपन किसी चीज को ब्रेक नहीं कर सके आगे, ठीक है, तो उस चीज के लिए ग्रीक वाले लोग अटोमियो वर्ड यूज करते हैं, ठीक है? अब सीधी सी बात है, जो एटम होता है वो भी ऐसा ही होता है। आप किसी मैटर को, आपके पास कोई ये मार्कर पेन है, इसको आप तोड़ते चले जाओगे मैटर को, तो मैटर टूटते 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 फाइनली क्या आ जाएगा? उसका सबसे छोटा पार्टिकल एटम आ जाएगा, जिसको और नहीं ब्रेक किया जा सकता, नहीं तो उसके सारे इलेक्ट्रॉन प्रोटोन बिखर जाएंगे, ब्रेक नहीं कर सकते आप। इलेक्ट्रॉन प्रोटोन न्यूट्रॉन ये सब एक साथ ही रहते हैं और ये एटम का निर्माण करते हैं, तो एटम को आगे ब्रेक नहीं कर सकते। मॉलिक्यूल को तो आप ब्रेक कर सकते हो, आप सब जानते हो H2 एक मॉलिक्यूल है, इसमें कितने एटम्स हैं? 3। इनको आप केमिकल मेथड यूज करके तीनों एटम्स को अलग अलग कर सकते हो, क्लियर है? नहीं, किसी मिक्सचर में मॉलिक्यूल से उनको अलग अलग कर सकते हो, मतलब मैटर में सब कुछ अलग कर सकते हो, सब कुछ तोड़ सकते हो, लेकिन फाइनली जो सबसे लास्ट स्टेज आती है एटम की, उसको आप नहीं तोड़ सकते। नॉन डिविजिबल होता है वो, अनकटेबल होता है वो, इसलिए ग्रीक वाले जब अनकटेबल या नॉन डिविजिबल कोई चीज़ होती है तो उसको अटोमियो यूज करते हैं, तो अटोमियो से बनाया एटम, क्लियर है? तो एटम क्या चीज़ है? मैटर की वह लास्ट स्टेज जिसको तोड़ा नहीं जा सकता, फर्दर ब्रेक नहीं किया जा सकता। दैट मीन्स एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर, इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर विच फर्दर नॉन डिविजिबल। नॉन डिविजिबल मतलब एटोमियो। एटम ऐसा स्मॉलेस्ट पार्टिकल, ऐसा छोटे से छोटा पार्टिकल होता है किसी मैटर का, जिसको और डिवाइड नहीं किया जा सकता। डिवाइड कर दिया तो उसके अंदर और भी पार्टिकल हैं छोटे, वो मना नहीं कर रहा मैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, लेकिन उसका फिर एग्जिस्टेंस नहीं होगा ना। एटम का एग्जिस्टेंस क्या है? प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन उसके अंदर होने चाहिए, तभी तो एटम को अपन अपन एटम बोलेंगे, क्लियर है? अच्छा, अब इस एटम के बारे में सबसे पहले किसने बताया था? हमारे इंडिया वाले लोग जो है बहुत ज़्यादा बुद्धिमान है, तो महर्षि कणाद एक हुए थे, उन्होंने सबसे पहले इसके बारे में डिस्कस किया था कि हर चीज़ छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी होती है, ठीक है ना? चाहे वो वायु हो, चाहे वो आकाश हो, चाहे वो अग्नि हो, ये सब छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं, ठीक है ना? हर चीज़ के अंदर एक ऐसा पार्टिकल, महर्षि कणाद ने बात बोली है कि हर चीज़ के अंदर एक छोटा पार्टिकल ऐसा होता है जिसे नहीं तोड़ सकते आप उस चीज़ को तोड़ते जाओगे, ठीक है, तोड़ते जाओगे तो एक आखिरी स्टेज आएगी जहाँ रुक जाओगे आप, ऐसा कुछ कहा था उसको उन्होंने, ये निकाला, इसे एटम कहते हैं। एटम नाम तो बाद में डॉल्टन नामक साइंटिस्ट ने दिया, ठीक है? तो मॉडर्न कॉन्सेप्ट क्या है एटॉमिक थ्योरी के पीछे, ये कहाँ से हुआ है, एटम की हिस्ट्री कहाँ से जुड़ी हुई है? अपने इंडिया से जुड़ी हुई है, आप ध्यान रखो। इंडिया वाले लोगों की जो ज्ञान या नॉलेज होती है वो बाहर वाले लोग चुरा लेते हैं और वो अपनी उसमें यूज करते हैं उसको, ठीक है, और सारा क्रेडिट ले लेते हैं, ये शुरू से आदत रही है उनकी। तो महर्षि कणाद को बस सिर्फ हिस्ट्री में ही अपन जानते हैं कि हाँ इन्होंने कहा था सबसे पहले, पूरा 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 क्रेडिट तो डॉल्टन को दिया जाता है। मॉडर्न मॉडर्न मॉडल जो है, यानी आज का जो मॉडल है, आज के टाइम का जो मॉडल है एटम का, वो किस पर बेस्ड है? क्वांटम मैकेनिकल मॉडल है। फिजिक्स की एक ब्रांच होती है क्वांटम मैकेनिक्स, ठीक है, उस पर बेस्ड मॉडल है। आप इतना ध्यान रखो, आज का जो एटम का मॉडल है वो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल कहलाता है। टुडेज मॉडल ऑफ एटम इज कॉल्ड क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, लेकिन ये अचानक से थोड़ी बन गया, एटम के धीरे धीरे मॉडल बने हैं, डेवलप हुए हैं, लास्ट में जाके क्वांटम मैकेनिकल मॉडल डेवलप हुआ है। 9th-10th standard में आपने पढ़ा है, सबसे पहले डॉल्टन्स ने नॉन डिविजिबल मॉडल ऑफ एटम दिया था। डॉल्टन ने क्या कहा था कि एटम को आगे ब्रेक नहीं किया जा सकता,
ठीक है, नॉन डिविजिबल। ये चीज़ वैसे इनडायरेक्टली महर्षि कर्णाद ने बोल दी थी हजारों साल पहले। ये तो डॉल्टन तो अभी के साइंटिस्ट तो है, ज़्यादा टाइम थोड़ी हुआ है इनको। इन्होंने कह दिया नॉन डिविजिबल होता है, हर चीज़ के अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो नॉन डिविजिबल होते हैं, आगे उनको नहीं तोड़ा जा सकता। आफ्टर दिस मॉडल, जब ये मॉडल दिया गया, डॉल्टन को भी नहीं पता था कि इसके अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उन्होंने कह दिया कि आज इसे तोड़ा नहीं जा सकता। बाद में इस मॉडल में, मॉडल के बाद में किस किस की डिस्कवरी हुई, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई, प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई। तो कुछ स्टेप याद रखो, डॉल्टन ने अपनी बात कह दी, फिर डिस्कवरी होना शुरू हुई। डॉल्टन के पीछे लगे होंगे लोग, थॉमसन, चैडविक, गोल्डस्टीन, इन्होंने की थी ना, तो ये लगे होंगे उसके पीछे, तो इनकी डिस्कवरी कर डाली। फिर डॉल्टन से पूछा गया, हाँ भाई ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कैसे है इसके अंदर, तुम तो कह रहे हो काटा ही नहीं जा सकता, इसको तोड़ा ही नहीं जा सकता। तो वो सब चीज़ें हुई। उसके बाद रदरफोर्ड आए, वैसे इससे पहले थॉमसन आए थे, ठीक है। डॉल्टन ने अपनी बात कह दी, तो फिर डिस्कवरी जब स्टार्ट हुई, तो सबसे पहले मॉडल जब दिया, साइंटिस्टों ने मॉडल देना शुरू किया, तो सबसे पहले थॉमसन का मॉडल आया, ठीक है। वाटरमेलन मॉडल, प्लम पुडिंग मॉडल, तरबूज मॉडल, ये सब चीज़ें हैं ना, आपने पढ़ा है, डिस्कस करेंगे इनको बाद में। कि अभी थोड़ा सा अपन प्लेटफॉर्म तैयार कर रहे हैं। इसके बाद रदरफोर्ड आया, इसमें बहुत कमियाँ थी इस मॉडल में। जब ये मॉडल दिया गया था थॉमसन ने, तो थॉमसन ने इस मॉडल को देने से पहले इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी जिस बंदे ने कर दी, उस पर हर कोई बिलीव करेगा, तो उसकी जो बात होती थी उसको मान लेते थे अपन एज इट इज़। तो थॉमसन ने मॉडल दे दिया, लेकिन इस मॉडल के पीछे पड़ गया रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने इसमें कुछ कमियाँ निकाली, ठीक है, और अपना स्कैटरिंग मॉडल दिया। रदरफोर्ड ने अपना स्कैटरिंग मॉडल दिया। फिर रदरफोर्ड के मॉडल के पीछे भी लग गए लोग, क्योंकि रदरफोर्ड एटम की स्टेबिलिटी को नहीं समझा पाए थे। रदरफोर्ड गेव मॉडल ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर, बट ही डिड नॉट एक्सप्लेन एटॉमिक स्पेक्ट्रम एंड स्टेबिलिटी ऑफ एटम। एटम एटॉमिक स्पेक्ट्रम को नहीं समझा पाए थे। अब ये क्या होता है, इसके लिए थोड़ा सा आपको वेट करना है। होता यह कि जब हम एटम में 7 रंग की लाइट डालते हैं ना, तो कुछ रंग की लाइटें तो अपीयर होती है, कुछ रंग की लाइटें अपीयर नहीं होती, इससे एक स्पेक्ट्रम बनता है। तो उस स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। एटम स्टेबल होना चाहिए, बट इनके मॉडल के अनुसार एटम स्टेबल हो ही नहीं सकता, वो सब बातें ही नहीं समझा पाए थे, ठीक है। रदरफोर्ड के बाद अगर अपन बात करें, फिर बोर आए थे। बोर्स ने रदरफोर्ड में जो कमियाँ थी मॉडल में, उसको करेक्ट किया और अपना मॉडल दिया बोर्स एटॉमिक मॉडल। ये बेस्ड था क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन। आज का मॉडल बेस्ड है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। तो कहीं ना कहीं आज का जो मॉडल है ना, उसमें सबसे बड़ा जो क्रेडिट है वो बोर का है। यानी आज के मॉडल को देने में बोर ने सबसे बड़ा हाथ था उनका, कुल मिला के, ठीक है। रेडिएशन से रिलेटेड था इनका पूरा मॉडल। सम करेक्शन, फिर कुछ करेक्शन इनके में भी हुए थे जो सोमरफील्ड ने किए थे। यानी थॉमसन, रदरफोर्ड, उसके बाद बोर आ गया भाई। बोर्स के बाद आ जाएगा सोमरफील्ड। मैं आपको बता देता हूँ, बोर ने कहा था कि न्यूक्लियस के चारों तरफ फिक्स्ड स्टेशनरी ऑर्बिट्स होते हैं, फिक्स एनर्जी के ऑर्बिट्स होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। फिक्स्ड एनर्जी के ऑर्बिट होते हैं जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, और ये सर्कुलर होते हैं एक्चुअली, ठीक है। लेकिन बाद में कुछ ऐसे भी ऑर्बिट होते हैं जो एलिप्टिकल होते हैं, दीर्घवृत्ताकार, अंडे जैसे होते हैं, एलिप्टिकल, सर्कुलर नहीं होते सारे। ये सोमरफील्ड ने थोड़ा सा करेक्शन किया था, ठीक है। सोमरफील्ड के बाद आया डे ब्रॉगली। इन्होंने बहुत बड़ी बात बताई थी। इन्होंने कहा था कि जो हम इलेक्ट्रॉन देखते हैं एक्चुअली में, ठीक है, ये आइंस्टाइन के ड्यूल नेचर ऑफ लाइट वाले प्रिंसिपल से इंस्पायर्ड थे। उन्होंने ये कहा था कि इलेक्ट्रॉन पार्टिकल की तरह भी बिहेव करता है और इलेक्ट्रॉन वेव की तरह भी होता है। कोई भी पार्टिकल जो होता है जिसका मास एम है इस दुनिया में, उसमें दोनों तरीके की का बिहेवियर होता है। वो पार्टिकल की तरह भी बिहेव कर रहा है क्योंकि पार्टिकल, और वो वेव भी बन जाता है कभी कभी। तो फिर हम भी पार्टिकल हैं, हमारा मास भी एम है, तो हम वेव क्यों नहीं बनते? तो ये सब चीज़ें वहाँ डिस्कस करूँगा। उन्होंने बताया था कि जिस पार्टिकल का मास ज़्यादा होगा, उसकी वेव नेचर कम हो जाएगी और वो वेव नेचर में ऑब्जर्व ही नहीं होगी। इलेक्ट्रॉन जैसे पार्टिकल्स का मास कितना सा होता है? बहुत ही कम होता है। इतना कम होता है कि उनकी पार्टिकल नेचर भी ऑब्जर्व होती है और वेव नेचर भी, यानी इलेक्ट्रॉन वेव की तरह भी होता है। क्लियर है? तो ये सब डिस्कस करेंगे। डे ब्रॉगली ने बताया था, डे ब्रॉगली ने दिया था ड्यूल नेचर ऑफ लाइट पर बेस्ड एक प्रिंसिपल, ड्यूल नेचर ऑफ मैटर, या ड्यूल नेचर ऑफ मैटर दिया था, जो ड्यूल नेचर ऑफ लाइट पर बेस्ड था, विच टेल अस पार्टिकल एंड वेव नेचर ऑफ मैटर, जिन मैटर की पार्टिकल नेचर भी होती है और वेव नेचर भी होती है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर हिजेनबर्ग आए थे। हिजेनबर्ग, अब ये कौन है भाई? देखो, हिजेनबर्ग नामक जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने एक्चुअली में क्या किया था, हिजेनबर्ग नामक जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल दिया था इलेक्ट्रॉन जैसे पार्टिकल्स के लिए। अब ये क्या चीज़ है? इन्होंने ये बताया था कि आप इलेक्ट्रॉन की पोजीशन अगर बता रहे हो, तो उसकी वेलोसिटी नहीं बता सकते सही से,
मतलब इलेक्ट्रॉन किस स्पीड से घूम रहा है, किस मोमेंटम से घूम रहा है। अगर आप इसको सही बताते हो तो उसकी पोजीशन बदल जाएगी, पोजीशन नहीं बता सकते, पोजीशन सही बताते हो इलेक्ट्रॉन कहाँ है एटम के अंदर, तो उसका मोमेंटम बदल जाएगा। मतलब एक साथ पोजीशन और मोमेंटम नहीं बता सकते, एक साथ बताने में अनसर्टेनिटी रहेगी किसी एक चीज़ में, तो इसे बोलते हैं अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रॉन लाइक पार्टिकल। ये बताया था, इससे भी बहुत कुछ पता चलता चला था कि इलेक्ट्रॉन कहाँ है एटम में, पोजीशन के बारे में। फाइनली इन सबको जब मर्ज कर दिया गया सारे मॉडल्स को, इनकी कमियों को दूर हटा के, तो फाइनली मॉडल आया आज का, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम, ये आज का मॉडल है। क्या पता इस मॉडल में भी कोई कमी रह रही हो तो कुछ 20-30 साल बाद एक और मॉडल आ जाए, कुछ नहीं पता। लेकिन आज का मॉडल है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम, क्योंकि इतने सालों से तो चलता आ रहा है। कम विच इज़ रिलेटेड टू क्वांटम नंबर्स, इसमें अपन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ते हैं क्वांटम नंबर्स का, ठीक है। ये क्वांटम मैकेनिकल मॉडल क्वांटम नंबर से रिलेटेड होता है, ठीक है। तो हिजेनबर्ग के बाद फिर क्वांटम मॉडल आ गया। इस क्वांटम मॉडल को डेवलप करने में मैक्स प्लैंक का भी बहुत बड़ा हाथ है, आइंस्टाइन का भी हाथ है, बहुत सारे साइंटिस्टों ने अपने अपने कॉन्ट्रीब्यूशन दिए थे आज का मॉडल बनाने। तो इसको नोट कर लीजिए, इट इज़ वेरी वेरी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डाटा फॉर यू। इंट्रोडक्शन है पर बहुत कुछ लिखा हुआ है इसमें, ठीक है। इसमें पूरा चैप्टर का ब्रीफ है, क्योंकि सबसे पहले अपन स्टार्ट करेंगे, जरा सुनो, डॉल्टन ने कह दी जो बात वो तो कह दी। इसके बाद डिस्कवरी सबसे पहले पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी, प्रोटॉन की डिस्कवरी, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी, ठीक है। डिस्कवरीज हो जाने के बाद हम स्टार्ट कर देंगे मॉडल, थॉमसन, रदरफोर्ड, बोर, सोमरफील्ड, डेब्रोगली, हिजेनबर्ग, सबसे इंपॉर्टेंट बोर्स मॉडल रहेगा, कंपटीशन में बहुत पूछा जाता है, ठीक है। इसके बाद क्वांटम में, चलिए दो मॉडल इंपॉर्टेंट, इनमें तो थोड़ी थोड़ी बातें हैं बाकी में, क्लियर है, तो इसको नोट कर लो।